आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ निफ्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरा लास्ट कॉल था 9 मार्च को निफ्टी सीई के लिए, आप देख सकते हो ब्लॉग पे। तो मैं आज जो बता रहा हूँ वो निफ्टी के बारे में। तो अभी आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। ये जो आपके सामने है निफ्टी का डेली चार्ट है, जिसके इसके पहले के आउटलुक में आपको मैं बोला था 10,600 के नीचे इसका ब्रेकडाउन होगा। तो वो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। ये जो ब्लू लाइन है वो 10,600 के लेवल के आसपास था, जो डेली में जो ब्रेकडाउन कर चुका है। ठीक है, आप ये वीडियो जरा ध्यान से देखना, इसमें मैं थोड़ा और बताऊंगा डेली वीकली मंथली में। और मैं एक चीज नोटिस है कि मेरे आधे से ज्यादा लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए, या तो लाइक किए तो शेयर नहीं किए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्थ है ऐसा वीडियोस, तो आप लाइक और शेयर कीजिए, तो फिर मुझे और अच्छा लगेगा और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसकी तरफ। और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एज सच जो 10,600 है वो ब्रेक कर चुका है डेली में। डेली में आपको जैसे कि दिख रहा है कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है नजदीक में। ये जो ब्लू लाइन है इसके मैं पहले के भी बता चुका हूँ वीडियो में, सेम ब्लू लाइन है। एक जो पिंक लाइन था वो निकाल दिया, अभी जो दूसरा पिंक लाइन है वो मैं ऐड किया है। तो एज सच डेली में कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। शॉर्ट टर्म रिवर्सल आया तो 10,600 तक आ सकता है, वो एक पहला टारगेट होगा। आज जो सीएमपी है 10,400 जो आपको आज सीएमपी है वो 10,451 के आसपास है। तो अगर कोई बाउंस बैक आया तो 10,600 तक एज फॉर पॉसिबल है, क्योंकि जितने जो डाउनफॉल हुए थोड़े इंडिकेटर एग्जॉस्टेड हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म पुल बैक आ सकता है आया तो 10,600। तो ये डेली की तरफ है, मैं आपको वीकली के चार्ट की तरफ लेके चलता हूं। अब याद रखिए जो भी चीज है मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या तो बाई या तो सेल नहीं है, ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसमें आपको दिख रहे काफी सारे लाइंस जो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो अब ये जो है पिंक लाइन वो मेजर सपोर्ट है वीकली में, जो आज के डेट में 9,965 है। आप इसको 40-50 पॉइंट्स पकड़ के चलिए, 9,965 को 40-50 पॉइंट्स। ठीक है, और ये वीकली है, मतलब पूरा वीक क्लोज होना है उसके लिए। तो ही अगर वो डेली में ब्रेक करता है उसके नीचे, या तो वीक, आपको मेन इंपॉर्टेंस है कि वीकली में देखना है इसका, वीकली में क्लॉक क्लोजिंग देता है। तो अब याद रखिए 9,965, और एज सच वीकली में भी मुझे कोई पुल बैक नहीं दिख रहा है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ उसको पुल बैक, या तो जो भी मैं जैसा कि डेली और वीकली में बोला था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये वीकली सपोर्ट है 9,965, डेली में जैसा कि मैं आपको बताया पुल बैक आया तो 10,600 तक आ सकता है डेली में, और ये वीकली है 9,965। ये जो है शॉर्ट टर्म, मतलब ये वीकली। तो अभी आपको मैं मंथली में थोड़ा लेके चलता हूं। जैसे कि आपके मंथली में दिख रहा है, मंथली में जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है ना 2008 से, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 5 सपोर्ट ले चुका है मंथली, एकदम स्ट्रांग ये है सपोर्ट। तो जैसे कि मैं आपको पहले पिंक लाइन बताया था वो ब्रेक डाउन दिया, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन जो आज के डेट में 9,400, ये यहां पे जिधर मैं एरो दिखा रहा हूँ आज के डेट में है, मतलब 9,400 ये स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जैसे कि मैं आपको वीकली डेली और मंथली बता चुका हूं आपको, तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है इसके। और एज सच अभी तक मुझे कोई उसका पुल बैक नहीं लग रहा। तो आपको मैं कुछ बता रहा हूं इंडिकेटर, जरा आप देख लीजिए। जैसे कि मैं इसके पहले आपको जो बोल रहा था पुल बैक आने का चांसेस है, या तो इंडिकेटर काफी एग्जॉस्ट दिख रहे, तो मैं आपके सामने आरएसआई और मैक रखा हूं। तो अब जैसे कि देख रहे ये डेली है फिलहाल आपके सामने, मैं इसके पहले आपको डेली वीकली और मंथली बता चुका हूं। तो भी मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूं उसके साथ जो है आरएसआई और मैक, ये जो बेसिक इंडिकेटर है काफी लोग यूज करते होंगे, तो मैं उसका रीडिंग आपको बता रहा हूं। तो ये जो है आपके सामने ये डेली है, तो अब ये देखिए डेली मैक काफी नीचे जा चुका है और आरएसआई भी जा चुका है, ये ओवरसोल्ड हो गया है। और अगर आप एक देखने का आपको एक चीज देखना, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो आरएसआई का था, आरएसआई का जो था ये बॉटम, मतलब ये डबल बॉटम बोल सकते थे, पर ये नहीं होल्ड किया। अब ये दिख रहे ये जो नहीं होल्ड किया और ये ब्रेक कर चुका है। तो इसके लिए मैं आपको बोला अगर डेली में पुल बैक आया तो 10,600 तक है पुल बैक,
मतलब कोई एज सच कोई मूवमेंट नहीं है वीकली और मंथली इंडिकेटर में। आपको मैं मैक में भी एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप वो देख सकते हो। एक मिनट होल्ड कीजिए, ये देखिए मैं जो लास्ट बॉटम था मैं उससे ही आपको ये कर लिया, पर इसमें कोई नहीं है। अब अभी एक चीज देखना है कि जो डाइवर्जेंस है ना यहाँ पे, जो डाइवर्जेंस, ये कोई डाइवर्जेंस अभी तक पॉजिटिव की तरफ नहीं दिख रहा है, तो एज सच कोई पुल बैक नहीं है डेली में। मैं आपको वीकली दिखाता हूँ ये सेम इंडिकेटर में, ये देखिए वीकली में भी सेम है, एज सच कोई नहीं है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है पॉजिटिव साइड में। जैसे कि आप देखो ये देखिए ये डाइवर्जेंस होता है ये पॉजिटिव साइड, ये जैसे जैसे ऊपर आते हैं ना आप देखिए ऊपर भी देखिए मेरे जो निफ्टी का ये ऊपर पर जाता है, पर ये जो डाइवर्जेंस है ना अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये वीकली है आपके सामने, आपको एक मंथली में इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ ये है। एक मिनट में आपको ना लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, आप ये वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए जैसे कि आप पिक्चर देखते हो 3 घंटे का, बस वो 3 घंटा पिक्चर देखते हो राइट, पर वो पिक्चर बनाने को काफी टाइम लगता है, तो ये वीडियो बनाने के लिए भी टाइम लगता है, इसमें स्टडी करना पड़ता है उसके बाद ही, क्योंकि ये जो भी चीज़ होता है वो रिकॉर्ड में होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे वर्थ है तो आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे व्यूज तो मिल रहे हैं तो कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा डीमोटिवेट जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ यूज नहीं है करना। तो आप देखिए कैसा होता है, मैं आपको एक मिनट में आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जो मैं आपको जो कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। एक मिनट ये लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा, एक सेकेंड होने दीजिए। ये जो आपके सामने जो है अभी वो मंथली है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये जो टॉप बना है ये टॉप देखिए यहाँ पे बन चुका है टॉप, ये जो ये भी जो मैक है टॉप, और मैं आपको नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना ये ब्रेकडाउन दिया है, ये काफी टाइम के बाद ब्रेकडाउन दिया है मंथली में। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ये देखिए ये जो यहां से था ना बॉटम, ये ऑलमोस्ट कभी था 2016 से जो अप ट्रेंड में था, ये देखिए यहाँ पे 2018 में बाद में उसके बाद ये तीसरा, और ये जो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, आप अगर ये नोटिस करोगे तो आपको ये सेम चीज इसमें भी दिखेगा। आपको देखिए नीचे भी की तरफ भी दिख रहा है, ये सेम चीज दिख रहा है, ये मंथली जो पैटर्न है उसके मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें, इसलिए इसका कोई रिवर्सल एज सच कोई दिख नहीं रहा है। और आप देख रहे हो जैसे कि काफी जगह पे मार्केट काफी उतार चढ़ाव है और क्रूड ऑयल वगैरह, तो आप ये देखिए जैसे कि आपको मैं डेली वीकली और मंथली सबके सपोर्ट बता चुका हूँ, और इस टाइम जैसे आरएसआई और आरएसई मैक के बारे में कुछ मैं बेसिक बताया हूँ, जैसे कि आप आरएसआई और मैक के डाइवर्जेंस से ही आप थोड़ा बहुत जस्ट गेस कर सकते हो कि इसका डाउन ट्रेंड कब तक है, कैसा है, या तो आने वाले दिनों में कैसा रिएक्ट करेगा। तो आपको मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है या तो कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी है तो आप पूछिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं शायद 2 या 3 बार बोल चुका हूँ क्योंकि मुझे काफी लग रहा है कि कोई लाइक और शेयर नहीं कर रहा है, व्यूज तो मिल रहे ठीक ठाक पर लाइक और शेयर नहीं कर रहा है। थैंक यू।